हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। दोस्तों, आप सब ने तो मंचूरियन बहुत खाए होंगे। आज एक बार मेरे बताए हुए तरीके से मंचूरियन बना के खा के देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, मैं आप सबके लिए पत्ता गोभी का यानी कि कैबेज का मंचूरियन लेके आया हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के मंचूरियन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैबेज का मंचूरियन बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए कैबेज। ये देखिए, हमने कैबेज को एकदम बारीक पतला पतला करके काट लिया है और इसको पानी से अच्छे से धो भी लिया है। अब हम इसको एक दूसरे कटोरी में डाल देंगे। ये देखिए, हमने सारे कैबेज को एक दूसरे कटोरी में डाल दिया है। अब हम इसका ऊपर डालेंगे 2 चम्मच अरारूट पाउडर। ये देखिए, हमने 2 चम्मच अरारूट पाउडर डाल दिया है। अब हम इसका ऊपर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा, और मैदा को डालने के बाद अब हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक को डालने के बाद अब हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम इन सारे चीज़ों को डालने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे पानी। हम पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हमें इसमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमें इसको मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आप सब लोग जो मार्केट में मंचूरियन खाते हैं, ये उसमें से थोड़ा सा अलग बनेगा। आप देखते रहिएगा मैं किस तरह से इसको बनाने वाला हूँ। ये देखिए, अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से बन गया है। इसका टेक्सचर इस तरह से हो गया है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल को पहले ही गर्म कर लिया था। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका पकौड़ा बना लेंगे। अब जब इसको फ्राई करें, गैस को हाई फ्लो पर रख के इसको फ्राई करें। ये देखिए, हमने इसमें एक एक करके कितना सारा डाल दिया है। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से उलट पुलट करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसमें एक बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है। अब हम इसको छान के एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको तेल में से छान के इसको निकाल लेते हैं और एक अलग से प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए, हमारा फर्स्ट बैच बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसका सेकंड बैच बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेकंड बैच बन गया है और ये हमारा थर्ड बैच बन गया है। और इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके सारे पकौड़ा को बना के रेडी कर लिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काटा हुआ प्याज, और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एकदम हल्का सा ही फ्राई करना है। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसी स्टेज में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शिमला मिर्चा। दोस्तों, हमने यहाँ पे येलो कलर का शिमला मिर्चा ऐड किया है, आप चाहे तो ग्रीन कलर का भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने डाल दिया शिमला मिर्चा। अब मिर्चा को डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। हमें शिमला मिर्चा को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको एकदम हल्का सा ही पकाना है, बाकी अपने आप पक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हो गया है। अब हम इसी स्टेज में इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो चलिए, अब हम इसमें सबसे पहले डालते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। इन सबको डालने के बाद अब हम इसको फिर एक बार इसमें मिक्स करके इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा टमाटो केचप, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सिजवान चटनी। इन सारे चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल पानी। ये देखिए, अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें आधा ग्लास पानी डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया आधा ग्लास पानी। अब हम इसको फिर एक बार
अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लगेगा उसके बाद इसमें हमारा जो बनाया हुआ पकौड़ा था उसको डाल देंगे। ये देखिए कैसे बॉयल आ रहा है। अब हम इसी स्टेज में इसमें हमारा बनाया हुआ सारा मंचूरियन का बॉल को डाल देंगे और इसको डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर इसी तरह से मिक्स करने के बाद इसका जो सारा ग्रेवी है इसका चारों तरफ अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगा और ये बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसीलिए दोस्तों आप इसको घर में बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखिए दोस्तों अब ये बन के रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारा केवेज मंचूरियन बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप सब ने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा इस तरह का नया नया रेसिपी वीडियो को देख सकें। दोस्तों आज का ये मेरा मंचूरियन का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।